subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए, यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई सरकारें गई मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां आए, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। दिल्ली के लोग चाहते थे कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनको एक ईमानदार सरकार मिले। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा और उन्हें एक ईमानदार सरकार मिली जो उनके लिए उनके साथ मिलकर काम करती है। आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए।
आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। नमस्कार।